नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 12 5G मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यूमेरिक अल्फामेरिक पैटर्न किसी भी एक को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर से कंटिन्यू आ जाएगा तो आपको इस पर फिर से क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद आपके सामने एक पैटर्न डालने के लिए बोलेगा, तो स्क्रीन लॉक के लिए जो भी आप रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपनी फिंगर को स्कैन करवाइए, तो यहाँ पर आपके साइड बटन पर फिंगरप्रिंट दिया गया है, आपको उसको स्कैन करवाना है। फिंगर स्कैन हो जाने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डन पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करने के बाद देख पा रहे हो एक फिंगर ऐड हो चुकी है, दूसरी फिंगर को यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो अब दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक सेट हो चुका है।